बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पास पेपर्स की डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। जो हमने कल के लेक्चर तक टॉपिक्स पढ़े हैं, उनमें से आने वाले जितने भी सवाल हैं पास पेपर्स में, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, और अभी भी इसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी हैं, इनमें केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस भी हैं, इनमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन वो देखिए, स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन है। आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बेहराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹25,000। बेहराम रिस्पॉन्डेड इमिजिएटली एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब देखो ना, बेहराम ने इमिजिएटली जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ऑफर खत्म हो गई। आमिर, हु वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, लोअर्ड द ऑफर्ड प्राइस टू ₹15,000। पहले 25,000 की ऑफर थी, अब 15,000 रुपए की ऑफर है, विच वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम। और इसका मतलब है, ये जो 15,000 रुपए की ऑफर है, रिवाइज ऑफर है, रिवाइज, ठीक है। तो इसको तो फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। बिफोर डिलीवरिंग द पियानो टू बहराम, आमिर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अहमद ऑन हिज इनिशियली अग्रीड और ऑफर्ड प्राइस। देयरफॉर आमिर हैज रिफ्यूज टू डिलीवर द पियानो टू बहराम। अब सवाल है कि कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमिर रिफ्यूजल। जी जनाब, जरा ऑप्शंस देखिए आप भी, क्या बहराम डैमेजेस ले सकता है ये जो आमिर ने इनकार किया है। तो पहली ऑप्शन है नो, बिकॉज आमिर रिफ्यूज्ड द डिलीवरी टू बहराम ड्यू टू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जी बिल्कुल भी नहीं। नो, बिकॉज आमिर हैड एग्रीड टू डिलीवर पियानो टू बहराम अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। बिल्कुल भी नहीं, यहां पे कहीं भी आपने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात नहीं थी। थर्ड ऑप्शन है यस, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज ऑफर प्राइस। क्या आपको लगता है कि ये वाला दुरुस्त जवाब है? अभी एक क्वेश्चन आया है कि इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या है। इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है कि जितनी मालियत की चीज है, उससे कम मालियत पे वो चीज बेच रहा होना, उसे कहते हैं इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। मतलब मार्केट वैल्यू ₹1,00,000 है उस चीज की, और एक बंदा उस चीज को ₹50,000 में बेचने पर राजी हो गया है, तो ये है इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है सी, यस, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज ऑफर। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया था कि रिवाइज ऑफर जो थी 15,000 रुपए वाली, जब ये आई तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। सर, ये प्लीज एक बात में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग, जी आवाज क्लियर है? ओके जी, स्प्रिंग 2021 का सवाल। जी, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में कर दूंगा शेयर। इसके बाद स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट अ फेमस क्लॉथिंग स्टोर, सना सिलेक्टेड अ ड्रेस फ्रॉम द रैक
with a price tag of rupees 20,000 and brought it to the cash counter, Sana asked the cashier to pack the dress and hand it over to her and handed over her credit card for payment. Her act was to be considered as Dijanab. क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है? बिल्कुल भी नहीं. जिसने जवाब दिया ए, वो जवाब गलत है जी. उसकी रीजन ये है कि जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने इनविटेशन टू ऑफर का, तो मैंने कहा था शॉप के अंदर जो डिस्प्लेड गुड्स होती हैं रैक्स में, शोकेस में, वो चीजें होती हैं इनविटेशन टू ऑफर. और वहां से कोई चीज उठा के जब कस्टमर लेके आता है और काउंटर पे रखता है दुकानदार के सामने, तो ये अमल ऑफर है. कुछ समझ आया सर? ये बाय द कंडक्ट कंडक्ट ऑफ पर्सन वाला आ गया ना. सना ने वो चीज, वो ड्रेस वहां से पिक की और कैश काउंटर पे लाके रख दिया. तो वो इसके बारे में पूछ रहा है कि सना का ये अमल क्या है. तो ये है जी मेकिंग ऑफ एन ऑफर. वो जो क्लोथ वहां पर जो रखे रहे वो इनविटेशन टू ऑफर होंगे. जरा मुझे बता दीजिए प्लीज सर. ओके, इसके बाद है पैरामाउंट फर्नीचर रोट अ लेटर टू बाबर नईम स्टेटिंग वी हैव रिसीव्ड एक्सक्विजिट बिसाइड टेबल्स which we will sell to you at a very favorable price. Autumn 2020 ka sawal, in alfaz ke upar gaur kijiyega. Unhone kaha hum aapko jo ye tables hain ye hum aapko sell karenge favorable price, badi munasib si price ke upar. Language pe gaur kijiyega, munasib si price. Ji zara options dekh lijiye, kaun si option correct hai. Option one, the letter is an offer to sell. Bilkul bhi nahi. Option B, the letter lacks the essential element of an offer. वैसे मैंने टिक किया हुआ, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है. देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी कौन से वो अल्फाज हैं जो शो कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है? ये वाले अल्फाज जो हैं, फेवरेबल प्राइस वाले जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है. और अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में भला क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ऑफर के वैलिड होने के लिए कंडीशन है कि वो सर्टन हो, डेफिनेट हो, क्लियर हो. याद आ गई जी प्रोविजन? प्रोविजन याद आ गई है? शुक्र है जी, वेरी गुड, ठीक हो गया. तो इसका मतलब फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? बी. ठीक है, ओके जी. तो ये भी गलत है. द लेटर कंटेन्स अ वैलिड ऑफर विच विल टर्मिनेट विद इन रीजनेबल टाइम. नो, बिल्कुल भी नहीं. इट डज नॉट मेक सेंस. और ये भी गलत है. इसके बाद ऑटम 20. अच्छा, अगर किसी का आंसर मिस हो जाए तो डोंट वरी, आप मुझसे लेक्चर के बाद पूछ लीजिएगा. ठीक है, बाय द एंड ऑफ लेक्चर. इसके बाद है ऑटम 20 का क्वेश्चन. अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस.
कुछ जहन में आ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन के आया? बताइए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, किस टॉपिक से बन के आया ये क्वेश्चन? अभी कल हमने ये टॉपिक पढ़ा है, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस के नाम से। सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं फातिमा, कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस जो हमने कल बुक में पढ़ा था। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं सवाल के अंदर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और हमारी बुक के अंदर जो वर्ड्स हैं वो भला कौन से वाले हैं? कंडीशंस ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो थ्योरेटिकल देखिए ये क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वाला सिंपल सादा सा सवाल है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है इसका ये वाला, सलमान सन वॉज मिसिंग, महमूद। जी बिल्कुल, वो सारे लिखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की, वो एडिशनल वाले भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसके बाद सलमान सन वॉज मिसिंग, महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड्स ऑफ सलमान वॉलंटियर्ड टू फाइंड सलमान सन। इस लफ्ज पे गौर कीजिए प्लीज, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके एक एक लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, एक एक लफ्ज के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप जवाब तक पहुंच पाएंगे। अब जरा इन अल्फाज देखिए, वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन, क्या मतलब भला वॉलंटियर, क्या मतलब होता है वॉलंटियर? वॉलंटरिली, वॉलंटियर यानी अपनी खुशी रजामंदी से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, ग्रीड के, बगैर किसी ख्वाहिश के कि मुझे इनाम मिलेगा, ये है वॉलंटियर। तो महमूद ने सलमान के बेटे को ढूंढ लिया। मीनवाइल सलमान गेव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अनाउंसिंग एन अवार्ड ऑफ ₹25,000 टू एनीवन हु फाइंड्स द मिसिंग बॉय। महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। अब उसको नहीं मालूम था महमूद को कि उसकी गैर मौजूदगी में इनाम का ऐलान किया गया था, उसको नहीं पता था। तो वो उसके बेटे को ढूंढ के घर ले आए, और बाद में जब पता चला महमूद को कि उस बच्चे को ढूंढने पे तो इनाम की रकम रखी गई थी, तो उसने वो डिमांड की, लेकिन सलमान ने इनकार कर दिया टू पे द रिवॉर्ड, और फिर महमूद ने उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया इनाम की रकम क्लेम करने के लिए। सो रिक्वायरमेंट है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, This बैलेंस इन conference will now फोर be इक्वल recorded. मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1,12,500 ईच। अब रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन वेदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जी सबसे पहले आपकी इंटेलिजेंस का चेक करना चाहूंगा मैं। रिसेंटली हमने प्रोविजन पढ़ी है, रिसेंटली क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आ चुका है? जवाब है नो, देर इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो होगी डिसीजन। अब आ जाते हैं लीगल प्रोविजन, भला इसकी कौन सी है, बुझो तो जाने। लीगल प्रोविजन कौन सी कोट करेंगे? हमने एक्सेप्टेंस के टॉपिक में कल पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, याद आया? ये हेडिंग आई थी एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में से, एक एसेंशियल था इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब अनक्वालिफाइड। जी बिल्कुल ठीक, आप सब लोग दुरुस्त गेस कर रहे हैं, शाबाश। तो वो वाली प्रोविजन यहां पे हम लिखेंगे, सर गॉट इट बच्चों? सर अगर ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियोज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स डीएचए प्रॉपर्टी सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019। और उसमें क्या लिखा हुआ था खत के अंदर? आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। विल यू प्लीज कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी? आप अल्फाज पे गौर कीजिए, ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने वाले अल्फाज हैं, कि वो इंफॉर्मेशन ले रहा है कि मैंने सुना है कि आप अपनी डीएचए वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, क्या आप मुझे भी कंसिडर करेंगे अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचने में? यानी वाजे तौर पे कोई अल्फाज नहीं यहाँ पे बोले जा रहे, लिखे जा रहे कि ये ऑफर है, जस्ट इंफॉर्मेशन सीक की जा रही है। अब देखिए, कहते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फॉर। अब तक आपको हाईएस्ट प्राइस वाला कितनी ऑफर हुई है? अब आगे से आदिल ने रिप्लाई किया, द हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। अब ये उस इंफॉर्मेशन का जवाब है, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उसका ये जवाब है। अच्छा, आगे से अहमद ने कहा कि आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन। अगर इन अल्फाज के ऊपर बच्चों आप गौर करें, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन, तो क्या आपको लगता है कि इनफैक्ट ये अल्फाज हैं जो ऑफर है? कम ऑन, तो ये ऑफर है जी, ठीक है? ये अल्फाज जो हैं ये ऑफर हैं। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग ₹38 मिलियन। बाद में क्या हुआ कि आदिल को एक ऑफर मिली 38 मिलियन की, तो एक ऑफर ये वाली है तो दूसरी ऑफर ये वाली आ गई उसके पास, 38 मिलियन वाली। ठीक हो गया? दो ऑफर्स आ गई आदिल के पास, कितनी कितनी अमाउंट की? 36 मिलियन रुपीज की और 38 मिलियन रुपीज की। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताएं, क्या ऑफरी पाबंद होता है तमाम ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, या उसकी मर्जी है कि जो ऑफर उसे अच्छी लगे उसको एक्सेप्ट करें? ऑफरी की मर्जी है ना कि वो जिस ऑफर को चाहे एक्सेप्ट करे। गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, व्हाट विल बी आदिल्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद। अब अगर आदिल ने वो जो प्रॉपर्टी है वो हामिद को बेच दी, चूंकि उसकी प्राइस कोर्ट की हुई ज्यादा थी 38 मिलियन रुपीज, तो भाई उसने कौन से जुर्म किया था? उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, माशाल्लाह, बाकी सब लोग ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड जी। सो आदिल की कोई लाइबिलिटी नहीं है, नो लाइबिलिटी, वेरी गुड जी, ठीक है, चले, नो लाइबिलिटी, आदिल के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑफरी की मर्जी होती है, चॉइस होती है कि वो जिस मर्जी ऑफर को एक्सेप्ट करे। अगर आपने नोटिस किया हो, यही वाला क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है अलोंग विद कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आपने यहां भी डिस्कस कर लिया है। जिस जिसने तो कल का लेसन पढ़ के तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो उसको तो पता चल गया होगा। वो जरा देखिएगा जो प्रोविजन वहां पे लिखी हुई है, कंप्लीट प्रोविजन, ठीक है? ओके हो गया। चलिए अभी बुक से देख लेते हैं हम। ये लें जनाब, हम क्वेश्चन ढूंढ लाए हैं यहां से। ओके हो गया। ये देखें, ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वहां पे क्वेश्चन बैंक में, एंड हेयर इज द लीगल प्रोविजन।
इसको पढ़ लीजिए। ओके जी, गुड जी, ठीक है ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन भी उधर दिया हुआ है, ठीक है, जरा पढ़ें इसको, अभी पढ़िए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं जी, क्वेश्चन जरा पढ़िए। और ये क्वेश्चन पता कहां से बन के आया है? अभी कल ही हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, कल ही, तो उसी टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन के आया है। ऑटम 2018 का क्वेश्चन, ये ले जनाब, ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, एंड हियर इज द आंसर। ओके जी, थोड़ा टाइम सेव करते हैं, तो इधर से जरा देख लीजिएगा जी। थैंक यू। ऑटम 2017 का क्वेश्चन, लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसी तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी गुजर चुका है जी, बताइए इसके जवाब में क्या लिखेंगे। यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल इसी किस्म का क्वेश्चन। और आप जो नए अल्फाज है हमारी किताब के अंदर, वो भला कौन से वाले हैं? लव्स एसेंशियल्स के बजाय अब भला क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस लिखा हुआ है। शाबाश, गुड, ठीक है जी, बिल्कुल दुरुस्त गेस किया आप लोगों ने, और हमने अभी कल के टॉपिक में ये पढ़ा है जी। तो कंडीशंस फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस इसके जवाब में लिखना हमें। थ्योरेटिकल सवाल है, आसान सा। इसके बाद स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन, बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स sent one of his employees Aftab in search of his pet horse which had been missing for 5 days. Badar advertised the reward of rupees 20,000 in newspaper for anyone who finds his missing horse. Aftab, unaware of the newspaper advertisement. अल्फाज पे गौर कर लें, और जवाब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जवाब पे आप पहुंच गए मेरे ख्याल में। अनअवेयर ऑफ द न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट, उसने हॉर्स ट्रेस कर लिया, और बाद में जब पता चला कि जनाब आफ्ताब के इसके ऊपर तो इनाम का ऐलान किया गया था, तो उसने वो अमाउंट क्लेम की। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वॉज मेड। अब ये इधर नहीं है आपके सिलेबस में, यहां तक, यहां से ऑनवर्ड देखें। ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। क्या जवाब है जनाब? यस के नो? नो, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और लीगल प्रोविजन वही लगेगी, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। गॉट इट जी, दुलकर रहे। लेकिन अब आपने देखा जो हमने टॉपिकल पढ़ा, उसमें वो टाइप्स नहीं है ऑफर की, ठीक है, इसलिए देखिए मैंने ये क्रॉस कर दिया, ये वाला हिस्सा जो है। ऑटम 2015 के ऊपर आते हैं। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹4 लाख। Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of ₹1,50,000.
with the promise to pay the balance in monthly installments of ₹62,500 each. So requirement hai ki explain whether it is a valid contract. बिल्कुल इसी तरह का सवाल ऊपर गुजर चुका है और बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल बुक में भी दी हुई है जी. नो, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. वजह लीगल प्रोविजन क्या है? एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट. क्लियर है जी? स्प्रिंग 2012 का सवाल, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड. किस तरह प्रपोजल रिवोक हो जाती है? तो हमने वेज पढ़े थे प्रपोजल के रिवोक होने के, मैनर्स, तरीके पढ़े थे. कुछ याद आ रहे हैं आप लोगों को? अच्छे बच्चों जी, शाबाश. तो वो वाले जो मैनर्स हैं, वेज हैं, जिनके तहत एक ऑफर रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, वो वाले यहाँ पे लिखने हैं जी. तो सीधा सीधा सा एक डिस्क्रिप्टिव सवाल है ये वाला. अब आ जाए स्प्रिंग 2012 का सवाल. व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड. जी, ये गालिबन परसों पढ़ा था हमने. ऑफर की रेवोकेशन कितने टाइम के अंदर अंदर हो सकती है? तो वहां पे जो प्रोविजन लिखी हुई है, उस प्रोविजन को जरा मैंने आसान अल्फाज में आपके सामने बयान किया था. कोई है इतना जहीन बच्चा के जिसको याद हो अभी तक वो अल्फाज जो मैंने बोले थे? बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने उसका जवाब दिया था जी. एक्सेप्टर की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होने से पहले पहले अगर उस एक्सेप्टर के पास ऑफर की रेवोकेशन भिजवा दी जाए तो ऑफर रिवोक्ड कंसिडर होगी. लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो चुका था और ऑफर के रेवोकेशन बाद में पहुंची तो अब वक्त गुजर चुका है. इस वक्त के गुजरने के बाद अब ये प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकती. याद आया? याद आया जी? ठीक है, ठीक है. ओके ओके ओके, माशाल्लाह. ठीक है, ओके, गुड, माशाल्लाह. क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी आज तो. ऑटम 2011 का सवाल, डिफाइन एक्सेप्टेंस व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज कंसीडर्ड वैलिड. एक सवाल है या सवाल के दो हिस्से हैं? सवाल का एक ही पार्ट है कि दो पार्ट्स हैं जी? दो पार्ट्स हैं. कौन कौन से वाले? एक्सेप्टेंस को डिफाइन भी करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B डिफाइन भी करना है और फिर एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी लिखने हैं. एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी लिखने हैं, ठीक है. गॉट इट? ओके ओके जी, याद आ गया वो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2B वाली. व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज गिवन. याद आया जी? अच्छा, आगे चले जी. स्प्रिंग 2011, आमिर हैज प्रपोज टू सेल अ कार टू प्रकाश एट अ सर्टन प्राइस बाय सेंडिंग अ लेटर. The communication of the proposal is complete when. यार, एक तो मैंने वो पहले से देखे किया हुआ. ओहो, आप भी कितने खुशकिस्मत हैं. अब तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जरा ऑप्शंस पढ़ें बच्चों.
आपने ये बताना है कि कम्युनिकेशन प्रपोजल की कब कंप्लीट होगी। हमने प्रोविजन पढ़ी थी कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन उस लम्हे कंप्लीट तसव्वुर की जाती है कि जब ऑफरी ऑफर रिसीव कर लेता है, उसके नॉलेज में आ जाती है। ये वर्ड्स वहां पे लिखे हुए थे, सो इस लिहाज से ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है जी। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग 2009 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी पता चल गया क्वेश्चन का। जी यस सर, बिल्कुल ठीक है, तो वही वाले केसेस लिखने हैं जी जिनके तहत प्रपोजल रिवोक हो जाएगी। गालिबन परसों पढ़ा था मेरे ख्याल में हमने ये शायद। और दूसरा हिस्सा क्या है इस क्वेश्चन का, ब्रीफली डिस्क्राइब द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर टू बी वैलिड। ये मेरे ख्याल में थर्ड टाइम ये क्वेश्चन ये आ रहा है, ये तीसरी मरतबा। ठीक है जी, रिपीट है, बार बार ये दोहराया हुआ है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, ये ऑटम एट वाला, वो भी वही है, एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है चलें जी, यहां तक कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। एनी क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर टू आपके एक बार माइंड में, कोई दोबारा क्वेश्चन हो अभी भी कर सकते हैं, इवन लेक्चर खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई शॉर्ट आंसर हुआ तो मैं टेक्स्ट के जरिए जवाब दे दूंगा, अगर डिटेल्ड आंसर हुआ तो कॉल पे जवाब होगा जनाब। ठीक है, तो अगर कोई अभी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं है या रह गया है तो बाद में भी कर सकते हैं, फैसिलिटी है आपके पास इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। जी।